everyone. Very good morning. Happy Holi to all of you all. I want to say Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. From last one and a half year, Aru यहाँ मेरे पास ही है. हम लोग बहुत धमाल कर रहे, गाना लगा के हम लोगों ने डांस किया. बलून, सानू के जो बलून लाए थे उसको ब्लो करके रख दिया. कलर्स रेडी करके रखा, सानू को रेडी करके. अच्छा, और सानू इज ऑल सेट. उसको व्हाइट टी शर्ट ही पहना था. एक्चुअली मुझे वो हैप्पी होली वाला लाना था बट नहीं मिला. लेकिन सिमिलर मेरे पास टी शर्ट था जिसमें बीच में फ्लावर का डिजाइन है. अरे आदिला फ्लश तो वार स्प्रे वाटला से. सो वी ऑल सेट. नीचे ऑलमोस्ट बच्चे आ गए बट उतने भी नहीं आए जितने चाहिए. सानू के फ्रेंड्स नहीं है उसमें, बहुत कम है सानू के फ्रेंड्स. सो हम लोग अभी और थोड़ा 10-15 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद जाएंगे. आरू मेरे को इतनी पसंद है ना, मेरे साथ इतनी कम्फर्ट है आरू. ये देखो चल है, सबको हाय बोल दो, टाटा कर दो बेटू, टाटा कर दो, टाटा बाय कर दो, कुछ बाय कर दो, ब्लैंकेट दे दो. नहीं, आरू बालकनी से नीचे देखने में खो गई है. बारिश भी होके गया, कल भी बारिश हुआ और आज भी बारिश हुआ, परसों भी हुआ. पता नहीं क्या चल रहा है मार्च महीना में, बारिश कहाँ से आ गया. क्लाइमेट भी एकदम प्लेजेंट है, पूरा ठंडा क्लाइमेट हो गया है, हवा इतनी चल रही है. एंड बस अभी 10 मिनट में जाएंगे नीचे, देखते क्या सानू धमाल करने वाली है. सुबह 6:30 बजे से उठी है क्योंकि निशु रात को 1 बजे आए और सुबह वापस 6 बजे उठ के 7 बजे ड्यूटी पे गए. निशु का आज डबल ड्यूटी है, डे शिफ्ट भी और नाइट शिफ्ट भी है. हर साल होली में निशु को डबल ड्यूटी रहता ही है. आज तक मैंने कोई भी होली निशु के साथ सेलिब्रेट नहीं किया, सिर्फ जाने से पहले या आने के बाद मैंने निशु को कलर लगाया. आई डोंट नो कब मुझे निशु के साथ होली खेलने मिलेगा, लेट्स सी. बट वर्क इज फर्स्ट प्रायोरिटी. तो निशु तो चले गए, मैंने सामने मस्त कलर लगा दिया निशु को. निशु गए काम पे, अभी हम लोग जाएंगे और होली खेलने वाले. कम लेट्स गो. हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली. बच्चा मेरा, नाचो नाचो, हैप्पी होली, नाचो बेटू, नाचो. अच्छा इसमें खड़े रहेंगे, नाचो नाचो, अरे नाचो, डांस करो. नानो बार बार तेरा बार, हाँ आता दीदी ला भी जाओ. अरे टीचर आ गए, सब पीछे पीछे आ गए. ले थोड़ा कलर इसका क्यों नहीं निकले.
बताओ माँ क्या बोलते है? होली है, ये बुरा ना मानो होली है। कांपने लग गई कार्टून, मम्मा घरी चल घरी चल, शिवरिंग हो रहा था उसमें ना नानो। चल आया सेकंड राउंड लावा, खाली यायला पाहिजे होतं खेळायला, माहितीये काय मजा आली। सगळी विचार होते दीप्ती कुठे, म्हटलं नाही लावा द्यायला लावा। हॅपी होली, ऍक्च्युली तुम्ही दोघांनी खाली यायला पाहिजे होतं, अजून चालू आहे जाऊ शकतात। हा जायचंय एकमेकांना लावा, हा पहिला एकमेकांना लावा, मम्मी येते। मी पूर्ण क्लीन होऊन आली, आता परत होणार आहे कलर कलर। जितने भी बार मम्मी ने लगाया मम्मी पहले नाक पे लगाया। हैप्पी होली, जो पहले हो या हमसे लगाया पर नाक लगाया। हैप्पी होली, हैप्पी होली, ये आता तुझे बारी होली है। हैप्पी होली देख मुझे एक थ्री हैप्पी होली बोलते ही बोला होगा एक्चुअली आई मिस यू ऑल। हैप्पी होली, अरे अभी दादा रहता तो दादा आता, पर मैं बोला ये दोनों आएंगे कि नहीं पता नहीं, पर बहुत मजा है। नेक्स्ट ईयर, गुड इवनिंग। और बटाटे की भाजी बची थी कल की, तो हम लोग उसका बना रहे हैं वड़ा पाव, और यहाँ पे दीप्ति बना रही है भजी, कांदा भजी, जिसका मैरिनेशन ये देखिए रेडी करके रखा है। क्वांटिटी ज़्यादा लगता है क्योंकि सुशांत जिंदा और दीप्ति जिंदा सब लोग हैं, और हम लोग के घर में आपको पता है भजी सबको ज़्यादा पसंद है, और सालों को भजी नहीं खाना था, शी वॉन्टेड टू ईट वड़ा पाव। तो फिर मैंने 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 वड़ा पाव बन गया उतने भाजी का, छोटा छोटा बनाया साइज में, एकदम बड़ा नहीं बनाया। और आज क्या करी है, तो सुबह इसके लिए वो बटाटा भाजी बन गया, और शाम को हम लोग ने कांदा भाजी का खाया, 10 खाई जैसे इसको जाने वाला 10 वड़ा पाव। 2 खा के दिखा तू, 10 तो बहुत दूर हो गया, 2 भी खा के दिखाई तो बहुत है। और आज दीप्ति को छुट्टी था तो शी रियली एंजॉयड है ना रिलैक्सिंग, क्योंकि सच में उसको इतना हेक्टिक हो जाता है ना पूरा वो वीक, इतना सुबह उठ के जाना, रात को इतना लेट आना, बट कांट हेल्प इट, है ना। दूसरा भी कहीं मिले तो ठीक है, बट वो भी वही बॉम्बे साइड ही मिलेगा, यहाँ पे तो इतना नज़दीक में तो कोई मिलने वाला है नहीं, वो साइड का ही मिलेगा। बट लेट्स सी, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, एंड आप लोग भी आ जाइए गरम गरम भजी खाने के लिए, बटाटा भजी एंड कांदा भजी। और सबसे पहले अभी ये वड़ा पाव ही हो गया रेडी, और भजी का एक राउंड ही हुआ है अभी, सुशांत एंड सामने इज ऑल सेट, उसके बाद फिर मम्मी डैडी, उसके बाद फिर मैं और दीप्ति एंड मैं, है ना। अभी मेरे जोड़ी में दीप्ति आ गई, पहले मम्मा हुआ करती थी, और देन फिर मैंने मम्मा को भी बोला आप खाना खा लिया करो, बिकॉज इतना लेट तक मेरे लिए वेट मत करो, क्योंकि मम्मी को फिर मेडिसिन वगैरह भी लेना पड़ता है, जो नॉर्मल मेडिसिन है वो भी, और प्लस वो आयुर्वेदिक वाला है वो भी, तो फिर बहुत लेट होने लग जाता है, तो फिर मम्मी भी अभी खा लेती है। सभी मेरे जोड़ी में दीप्ति आ गई है, वो मेरे लिए वेट करती है। अभी हम लोग फिर लास्ट में खा के फिर पूरा किचन वाइंड अप करेंगे। दीप्ति और सुशांत थोड़ा बाहर जाकर है, मार्केट जाकर है, दूध वगैरह लाना था कि सुबह में नहीं ला पाई होली के चक्कर में। और अभी मैंने मिर्ची भी कट करके रखा था, मोटो फ्राई मिर्ची ऑल्सो, भजी बने और मिर्ची ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। आज सुबह भी मैं कितने बार ऐसा इग्नोर कर रही थी, लेकिन मम्मी मुझे 3 बार बोल के भेजी जा मिर्ची कर मिर्ची कर, तो सुशांत ने मम्मी को चाहिए था कि तुझे चाहिए था, लेकिन मैंने अभी बहुत कम कर दिया मिर्ची खाना कंपेयर टू व्हाट आई यूज टू ईट 2 ईयर्स बैक, जब से मेरा वो स्टोन का सर्जरी हुआ है ना, तब से मैंने ये सब चीज़ें बहुत कम कर दी कि मैंने मुझे सर्जरी वर्जरी वापस नहीं कराना है, तो वो दूसरा कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, उससे अच्छा थोड़ा कम खाओ तो बेटर है। इसके लिए भी हम लोग के घर में पहले के कंपैरिजन में तीखा भी कम बनता है और मिर्ची भी कम खाते, लेकिन फिर भी दीप्ति को तो भी थोड़ा स्पाइसी लगता ही है ना उधर से जेवन, उसके मम्मी के हिसाब से यहाँ का खाना उसको थोड़ा स्पाइसी लगता है, बट अभी धीरे धीरे फिर ऐसा हो जाएगा एक टाइम आके कि उसको वहाँ का खाना उतना नहीं भाएगा, यहाँ का ही खाना टेस्ट ज़्यादा लगने लग जाएगा, बट दैट विल टेक टाइम, क्योंकि अभी तो जस्ट 3 महीने हुआ है, ये शायद 1 साल के बाद सिचुएशन है, 6 महीना 1 साल के बाद शायद सिचुएशन चेंज हो जाए।